सियालकोट लॉकडाउन ने नरमिया पद कसानी दुकान और मार्केट पच कनक बुतगा बरेशिया हबीद मालू के जंजाल कम नहीं दिलगुश कने राना खलीली रिपोर्ट गवर्नमेंट की जान से लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान तो कर दिया गया है फिर भी सियालकोट की मार्केटें बंद हैं। आइए मजीद पूछते हैं दुकानदारों से। सियालकोट की मार्केट का ना पता लग रहा है खोलनी है ना बंद करनी है। कभी कहने खोल लो कभी कहने बंद करो। खोल लो तो फाड़ लेंगे आके लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। वजीर आजम सब कुछ ऐलान करते हैं अमली तौर पर कुछ होता है ना तो इंतजामी समझ आती है तो ना गवर्नमेंट समझ आती है। या तो बंद करो लोगों को घर ही बहन दो बिल्कुल लाक करो बिल्कुल लाक करो बिल्कुल बीमारी दूर करनी है तो ये नहीं तो फिर खोलन दो। लोग सड़क पर बह के कारोबार कर रहे हैं हर पास दिलील और हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है और हमें यहाँ पे दुकानें खोलने नहीं दी जा रही। हम दुकान खोलने के लिए आते पुलिस वाले आते टॉर्चर करते हैं और वो खोलने नहीं दे रहे। हम क्या करें हम बहुत तंग आ गए हैं घर में बैठ बैठ के फारिक बैठ बैठ के। प्लीज़ काइंडली हुकूमत को चाहिए हमें टाइमिंग इशू करे ताकि हम अपनी दुकानदारी कर सकें। जैसा कि हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है मगर हम छोटे दुकानदार हैं दुकानें खोलने की कोशिश करते हैं मगर पुलिस वाले हमें दुकानें खोलने नहीं दे रहे। ठीक है हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं 2 माह से दुकानें बंद हैं तो हमें भी दुकानें खोलने की इजाज़त दी है ताकि हम आराम से अपनी दुकानें खोल के अपना कारोबार कर सकें अपने बच्चों का रोज़गार कमा सकें। दुकानदार को कह लेकिन जब हम दुकानें खोलते हैं पुलिस आके दुकानें बंद करवा देती है। दूसरी जानब सियालकोट का मेन बाजार वहाँ औरतें शॉपिंग करती हुई नजर आ रही हैं। राणा मुमतखली वाशिनो सियालकोट।